हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं ट्रैवलिंग इन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन इन चाइना, 1200 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स। ब्यूटीफुल। चाइना में तो बुलेट ट्रेन भी आ गई, ना यूएसए में है ना इंडिया में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। देखिए, एक्चुअली तो बुलेट ट्रेन होनी चाहिए 500 किलोमीटर पर आवर के करीब। 500 तो उससे भी ज्यादा है। 500 नहीं, उससे कम है। 1200 बोल रहा है, 1200 बोला तो ये 12000 3.5 आवर्स में बोला उसने। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ अराउंड 500 किलोमीटर्स होनी चाहिए पर आवर। ओ अच्छा, ठीक है। तो 500 किलोमीटर पर आवर, 400 लगा लो, ये 500 किलोमीटर पर आवर तो बुलेट ट्रेन हो जाती है। और 700 वाली भी है, 700 किलोमीटर पर आवर करती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है, मगर फिर भी इट इज वेरी गुड। चलो देखते हैं चाइना में बुलेट ट्रेन, देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को दुखी करने के लिए आप सारी चाइना की वीडियोस भेजते जाओ। भैया ये भी देखो, ये भी देखो कि चाइना कितना डेवलप हो गया है। ना बहुत आगे डेवलप हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं एक रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, हमें तो शौक लग रहा है। कौन कौन सी दो देखी है अभी तक हमने चाइना की? चाइना से जो लोग अमेरिका आते होंगे लगता होगा गरीब कंट्री में आ गए, उनको तो लगता होगा यूएसए, क्योंकि चाइना इज बेटर। अनलेस अनटिल कई जगह होंगी मॉडर्न और वैसे नॉर्मल जगह बहुत पुरानी जो दिखा रहे हैं। अगर इस एरिया में चाइना के इस एरिया में कोई रहता है और फिर वही आए, वो कहीं पर भी यूएस में चले चला गया गरीब कंट्री में, तो वो तो है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है आजकल के जमाने में। बिल्कुल, चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो वुहान से बीजिंग का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1100 से 1200 किलोमीटर है, और ये 1200 किलोमीटर हम ट्रैवल करने वाले 3 घंटा 50 मिनट में। आप क्या खतरनाक दिख रही है यार, नीचे है बल्कि ऊपर क्यों नहीं है प्लेटफॉर्म के सामने चक्कर ही आ जाए बाहर देखते हैं। 500+ हो तो मजा आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वक्त हम हैं वुहान चाइना में, और आज के इस वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले वुहान से बीजिंग, और हम ट्रैवल करने वाले हैं भाई दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन से। मुझे मालूम बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई जापान की बुलेट ट्रेन फास्ट है, ऐसा है। जापान की ट्रेन जो है वो पुरानी है, फास्टेस्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी बोले थे कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है वो 600 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। भाई 600 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं चलती, वो सिर्फ एक बार टेस्टिंग हुई थी। चाइना की बुलेट ट्रेन है वो है, और इससे पहले जो मैं बुलेट ट्रेन से ट्रेवल किया था वो 250-300 की स्पीड में चलती थी, लेकिन भाई ये बहुत ही ज्यादा फास्ट 350+ चलती है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, जो वुहान से बीजिंग का डिस्टेंस है वो तकरीबन 1100 से 1200 किलोमीटर है, और ये 1200 किलोमीटर हम ट्रेवल करने वाले 3 घंटा 50 मिनट में। आप सोच सकते हो 3 घंटा 50 मिनट में, मतलब इतने टाइम में तो फ्लाइट भी नहीं पहुंचा पाती है। भाई यहाँ से जो फ्लाइट चल रही है वुहान से बीजिंग की, वो तकरीबन 3 घंटा ले रही है, और भाई ये बुलेट ट्रेन हमको तकरीबन 4 घंटे में पहुंचा देगी। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा फास्ट है। और भाई मैं इसको प्लेन से ज्यादा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई प्लेन अगर आप लेते हो तो तकरीबन बुलेट ट्रेन में आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट पहले जाना है। 10 मिनट पहले जाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट चेक इन हो जाएगा। भाई अगर ऐसे देखे तो फ्लाइट से ज्यादा फास्ट तो भाई बुलेट ट्रेन हुई। और ये जो डिस्टेंस है तकरीबन 1100-1200 एक पकड़ सकते हो, कम ज्यादा थोड़ा मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस है, और ये इतना डिस्टेंस हम तकरीबन 4 घंटे में कवर कर देंगे। भाई बहुत ही अलग सीन होने वाला है, भाई बहुत ही मजा आने वाली, ये अलग एक्सपीरियंस होगा। भाई मैं पहले भी आप लोगों को बुलेट ट्रेन दिखाया हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। देखते हैं भाई कैसे होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोले थे भाई जापान के बारे में, लेकिन जो चाइना की बुलेट ट्रेन है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। बुलेट ट्रेन की बात करें, अगर नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो जो फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वो भी चाइना में, शंघाई की मालदीव ट्रेन, जो कि तकरीबन 450 चलती है। तो देखते हैं भाई इस पे कैसे एक्सपीरियंस होता है। सारा मैं बुलेट ट्रेन की आप लोगों को स्पीड दिखाऊंगा, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से। भाई आप लोगों को फील कराऊंगा कितनी मजा आने वाली है आप लोगों को इस वीडियो में। तो चलते एक्सपीरियंस करते हैं अपने दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट बुलेट ट्रेन। इस वक्त हमें वुहान मेट्रो स्टेशन पे, तो यहाँ चलते हैं हम, वुहान जो हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है वहाँ चलते हैं, और वहाँ से टिकट निकालते हैं। सारा प्राइसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से पहले मेट्रो लेना है हमको, फिर जाना है हमको यहाँ का जो हाई स्पीड बुलेट रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ चलते हैं, आपसे वहाँ ही मिलते हैं डायरेक्ट। तो भाई एक मेट्रो राइड के बाद हम पहुँच गए वुहान रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे आप देख सकते हो वुहान रेलवे स्टेशन, और आप लोगों को बता दूं 3 सबसे मेन स्टेशन है। एक बुचांग स्टेशन है,
जहाँ से नॉर्मल ट्रेन जाती है जो स्लीपर होती है, बुलेट ट्रेन नहीं चलती है। और बाकी की जो दो स्टेशन है, एक मेरे पीछे आप देख सकते हो वुहान रेलवे स्टेशन और दूसरा है हैंगकॉक रेलवे स्टेशन, जहाँ से कम बुलेट ट्रेन चलती है, जो सबसे मेन सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन है वो यहाँ वुहान रेलवे स्टेशन से चलती है। चलते अंदर यहाँ का ये अच्छा सीन है कि हर आधे घंटे में ट्रेन चलती है हर सिटी के लिए, और टिकट पहले निकालने की जरूरत नहीं, हाथों टिकट मिल जाती है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर आया था, ये देखिए ऐसा कुछ है। चलते अंदर देखते हैं क्या प्राइस वगैरह करने की पूरी तैयारी से मैं एकदम आया हूँ। पीछे पूरा चिप्स वगैरह है, एक की इस पॉकेट में जूस है, इस पैकेट में चाइना का फेमस नींबू पानी है। तो भाई खाते पीते आप लोगों को दिखाते दिखाते इतना बड़ा स्टेशन है, टिकट कहाँ से निकालना है भाई समझ भी नहीं आ रहा है। मतलब कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं ऊपर, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं। पूछते हैं भाई वेयर कैन आई गेट टिकट फॉर हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, कैसे पूछेंगे? एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैसे पूछा, क्या पूछा? ऊपर से निकालना है तो भाई यह बहुत अच्छा यार काम कर देता है। बहुत सारे लोग पूछे थे के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो, ये ऐप का नाम है से हाई। ये मुझे एक रेकमेंड किया था चाइनीज ने, जैसे पहले दिन मैं आया था चाइनीज रेकमेंड किया था कि भाई ये इसका जो ट्रांसलेशन है अच्छा है, लेकिन वो पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा काम नहीं किया, चार की जगह दस, दस की जगह चार दिखा दिया। ठीक है, टिकट निकालते हैं, बताता हूँ कितने की मिलती है। बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बना के रखे हैं, देखिए वही, लेकिन है वुहान रेलवे स्टेशन। तो भाई यहाँ पे टिकट नहीं निकाल सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो कियोस्क लगे हुए हैं वहाँ पर आपको आईडी कार्ड स्कैन करना पड़ता है, और ऐसा आईडी कार्ड मेरे पास पासपोर्ट है, तो भाई पासपोर्ट स्कैन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ लोकल है। तो हम चलते नीचे और वहाँ से टिकट निकालते फिर वापस आएंगे ऊपर। हाँ भाई देखिए यहाँ से टिकट मिलेगी, और भाई किलोमीटर कितना, तो भाई ये स्टेशन बना के रखे थे वही तो बोल रहा था मैं आया, और ये कहाँ टिकटिंग स्टेशन है, बहुत बड़ा है, जल्दी से बनने पड़ते हैं भाई, आदमी चलते रहते हैं खराब हो जाए तो। हाँ भाई यहाँ बनाए भी ऐसे हैं यहाँ, लेकिन सारे चाइनीज में लिखे, लेकिन मुझे मालूम है मुझे कौन सी ट्रेन से जाना है, तो डायरेक्ट मैं ट्रांसलेट करके इनको दे देता हूँ और टिकट मिल जाएगी। तो देख सकते हो पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ, लिख के बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है।窗口五点钟下班啊，你们排到后面自己看一下。तो भाई फाइनली निकाल लिया हूँ टिकट, और टिकट जो मिली है वो मिली है मुझे 623 की, जो कि होते हैं 7200 लगभग, 7100 की 7200। और आप लोगों को बता दूं भाई ये ट्रेन लेगी 4 घंटा 6 मिनट और 4 स्टॉप पे रुकेगी भाई, 4 घंटे में मुझे पहुंचा देगी बीजिंग 1200 किलोमीटर और साथ साथ 4 स्टॉप पे रुकेगी। सोच सकते हो आप लोग 4 स्टॉप रुकने के बाद भी मुझे 4 घंटे में पहुंचा देगी, तो यार काफी ज्यादा स्पीड में होने वाली है। और बहुत सारी डिटेल मैं आप लोगों को बुलेट ट्रेन के बारे में, बुलेट ट्रेन के टाइप के बारे में मैं आप लोगों को आगे देता हूँ, ताकि आप लोग आओ तो आप लोगों को मालूम रहे कि भाई कौन सी फास्ट चलती है। बहुत सारी बुलेट ट्रेन है जो 250 और 300 पे चलती है, ये जो वाली सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन है, तो इसका नंबर कैसे देखते हैं, कैसे मालूम पड़ता है कि फास्टेस्ट है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं भाई अब ऊपर, थोड़ी सी महंगी है लेकिन भाई फ्लाइट तो सस्ती है। अभी मैं फ्लाइट बुक करूँ तो मुझे यहाँ से 15,000 की फ्लाइट मिल रही है, वो भी मुझे आने जाने में, एयरपोर्ट पहुँचने में, वहाँ 2 घंटा पहले जाओ, वो पूरा करते करते भाई 6 घंटा लग जाएगा, और यहाँ 4 घंटा अभी बज रहे हैं भाई 5, और अभी 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, ट्रेन में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और मैं बाहर हूँ भाई। सिर्फ 5 मिनट पहले भी आओगे ना तो आपको एंट्री है, ऐसा सीन है कुछ फ्लाइट जैसा नहीं कि 2 घंटा रुकना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों को ऐसे चेक इन काउंटर मिल जाएंगे, और यहाँ सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाना है और निकल जाना है। आईडी कार्ड है तो यहाँ से स्कैन करना है, अगर पासपोर्ट आपको कोने में जाना पड़ेगा, यहाँ पे टिकट दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टिकट पे पासपोर्ट नंबर रहता है, पासपोर्ट नंबर लेते हैं तो सारी टिकट की डिटेल आ जाती है, तो सिर्फ पासपोर्ट दिखा के हम निकलते हैं आगे। एयरपोर्ट की तरह किया, सिक्योरिटी वाले मना नहीं करेगी, फोटो ले सकते हैं, से से सब कुछ। तो देखिए भाई पीछे टिकट चेक किए, टिकट मतलब पासपोर्ट चेक किए, इसमें सारी डिटेल रखवा देंगे कैमरे, सिक्योरिटी चेक होगा जैसे भाई एयरलाइंस में होता है, तो भाई यहाँ बैग वगैरह पूरा चेक करवाना है, फिर निकलेंगे हम प्लेटफॉर्म की तरफ। तो देखिए भाई अंदर की तरफ आ गए हैं, एयरपोर्ट लग रहा है ये तो, नजारा देखिए भाई, एयरपोर्ट से अच्छा बना हुआ है यार, तो ये यहाँ के सारे जो रेलवे स्टेशन है ना भाई चाइना में, चाइना के जो सारे स्टेशन है भाई एयरपोर्ट से भी अच्छे रहते हैं यहाँ पर, मुझे बड़ा गुस्सा। और यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है शंघाई में भी, यहाँ इतनी भीड़ नहीं देख सकते हो, लेकिन यहाँ एक चीज ये है कि भाई यहाँ पे एक भी फॉरेनर आप लोगों को देखने नहीं मिलेंगे। तो देखिए पूरा वहाँ से चल के एकदम आखिर में हमारा गेट जो है वो स्टार्टिंग हो रहा था A1, और हम एकदम पीछे थे, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलते हैं भाई दिखाता हूँ लोगों को, यार मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ से हम चेक इन करा के आए हैं अंदर, और ये देखिए भाई प्लेटफॉर्म बहुत खतरनाक, देखिए दूर पे वहाँ देखिए वहाँ पर एक बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है, और ये सारा कुछ स्टेशन है भाई, यहाँ तकरीबन समझ सकते हो 10-12 कुछ प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा खुला खुला है, तो वो बंद जैसा, तो कोई भी इतना खुला नहीं था, वो तो गंदा से थे कि हमारी टिकट वाली कहाँ रही है, तो गंदे से लगे यहाँ दिस ये शीशे
तो भाई ये पहली वाली लाइन हमारी है, यहाँ हर अलग अलग डब्बे की अलग अलग लाइन होती है। देखिए ये हमारी लाइन है, अच्छा, वो आगे दूसरे डब्बे की लाइन, तो ऐसी देख सकते हो आप, हर डब्बे की अपनी अपनी एक लाइन बनी हुई है। तो पता कैसे चलता कौन सा डब्बे की लाइन? अभी तकरीबन 4 मिनट में ट्रेन आने वाली है, आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बुलेट ट्रेन दिखाया था, उससे थोड़ी अलग होने वाली, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जैसी आएगी। वो देखिए भाई हमारी बुलेट ट्रेन आ रही है, ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रही, कहीं बन के आ रही है कहीं से। वो देखिए भाई साहब बन के आ रही है, मतलब क्या खतरनाक दिख रही है यार, लोग पहले से बैठे हुए इसमें, खूबसूरत है। ये जो है ये सेकंड क्लास कोच है, आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है सेकंड क्लास कोच, और ये है बोगी नंबर 13 और ट्रेन का नंबर है 678। ये लिए अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, निकल रहे हैं भाई, यहाँ सिर्फ 3 मिनट रुकने वाली है, अभी तक लोग खाली नहीं हुए, लोग यहाँ से घुसना भी चालू कर दिया, काफी लोग ट्रैवल करते हैं बुलेट ट्रेन से। देखिए भाई भर भर के सीट, मुझे लगता नहीं अंदर खाली रहेगी। चलो भाई चढ़ेंगे, 3 मिनट हैं, फिर भी धक्का मुक्की नहीं कर रहे लोग। देता हूँ भाई पहला इंप्रेशन, टाइम हो गया, काफी अच्छा लग रहा है यार। वही तो, ओके शीशी, तो चलते हैं पहले भाई सामान वगैरह रख लेते हैं, शीशी शीशी, तो भाई पहले सामान वगैरह रख लेते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ भाई। ये उससे तो अच्छी दिख रही है, 1C। तो भाई यही वाली सीट है मेरी 1C। तो भाई अभी बैठे सिर्फ 5 मिनट हुआ है, और स्पीड देखिए भाई 313 पे पहुँच गए, 314, 315, 316 भाई, 917। और देखो बाहर का सीन रॉकेट जैसा बाहर से जा रहा है भाई। देखिए यहाँ पे खिड़की के ऊपर चीजें रखी हैं भाई, बाहर का सीन देखिए, और यहाँ स्पीड देखिए 323। अभी तो हमारे वहाँ बंदे आ रही है ताकि इस टाइप की लुक्स की, तो क्या बात है यार, अभी कितना हो गई 326 अभी बैठे हैं, और भाई स्पीड एकदम तुरंत एकदम हाई स्पीड हो गई, फील ही नहीं हो रही इनकी, इन्होंने चल लिया टू सीट आई ली पहुंच गई भाई 10 मिनट के अंदर। और भाई आप लोगों को मैं तो खिड़की रुक गया था, जो पिछली वाली बुलेट नहीं उससे अकेले जो बंदा है उसे खिड़की पर, देखिए यहां चार्जिंग पॉइंट, हर सीट पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, यहां देखिए इंक्लाइन डिक्लाइन की, सॉरी तो और कंफर्टेबल सीट है भाई, पीछे सीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ भाई यहां पर बाहर का देखिए। तो देखिए भाई ये गेट है, और ऐसा कुछ सीन है, यहाँ का सामान रखने की यहाँ पे जगह मिलेगी। चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए मेरी सीट ये वाली है, और भाई काफी शांति है, लोग सो रहे हैं, कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोगों को ऐसे थोड़ा चलते चलते दिखाता हूँ, बाइक साफ सड़ा या सड़ियल फड़ियल नहीं है, कोई सड़ियल नहीं है, एमआई ओके करना, जो देखिए और स्पीड देखिए, वेरी नाइस स्पीड है, लगभग 350 की 347 की स्पीड चल रही है, और लोग बनाई कितनी अच्छी वुड लुक दी हुई है, मैं तो ये भी देख सकती हूँ, ओए हो सिर्फ भी है यहाँ, और लाइट वगैरह काफी अच्छी लगा के रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पर दो वॉशरूम है, और काफी वॉशरूम भी दिखाना कैसा, ये देखिए भाई, मैं सोचा मैं आप लोगों को वॉशरूम दिखा दूं, इतना अच्छा वॉशरूम बना है, मैंने कभी नहीं देखा, ये देखिए भाई, ये तो बटन वाले लग रहे हैं, कि मतलब स्पेशियस बटन्स लग रहे हैं वहाँ पे, इंडियन स्टाइल था उसमें, तो नहीं होता कहाँ है, कहाँ इंडियन स्टाइल दिखाओ, तो लाइट वगैरह पूरी लगी हुई एकदम बड़ा सा मिरर, इतना बड़ा मिरर तो रहता नहीं है, और यहाँ छोटा सा स्पेशियस है भाई, काफी अच्छा है यार, काफी ठीक ठाक है, यहाँ टिश्यू पेपर आप लोगों को कहाँ है, मतलब जैसे मैं अंदर आया ना ये स्पीकर से आवाज आई, यहाँ लोगों को इंडियन स्टाइल तो मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ एक्सप्रे नहीं मिलेगा, टिश्यू पेपर यहाँ लोग यूज करते हैं, तो क्या गंदा सिस्टम है, नीचे बैठ के ऊपर से टिश्यू पेपर, क्या वालों का भी हमारा जैसा स्टाइल है, मुझे नहीं पता था यूरोप जैसा। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ गर्म पानी के लिए मिल जाएगा, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिलेगा, तो अगर आपको नूडल्स वगैरह लेना है या फिर कुछ कॉफी वॉफी बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, तो काफी ठीक ठाक है, मेरे हिसाब से कुछ ये देते नहीं कुछ रास्ते में पीने पुने को, जैसे वंदे भारत देती है, आप देख सकते हो मस्त बुलेट ट्रेन के मजे ले रहे हैं, फ्री वाईफाई मिल गया यहाँ पर, ये तो तीन सौ की स्पीड से चिप खाते हुए यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ये सारा कुछ माहौल है, आधे लोग तो सो गए हैं भाई। तो भाई देखिए ये हमारी सीट है, चलते हैं देखते हैं भाई और क्या क्या देखने मिलता है, देखिए लगभग 350 चल रही है हमारी ट्रेन, थोड़ा बाहर का सिस्टम दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई, ये देखो रॉकेट जैसा जा रहा है, कुछ दिख रहा है, व्यूज भी कितने सुंदर है, माउंटेनस एरिया है, वंदे भारत में तो ऐसी चीजें कुछ दिख रहा नहीं, देखिए
आप लोगों को कुछ भी फील नहीं होगा कि हम 350 का थोड़े थोड़े टाइम पे देख सकते हो टनल आ रही है और अभी की स्पीड क्या है देखते हैं। और अभी की स्पीड है 335 आप लोगों को बहुत हरियाली देखने कितना खुला खुला इलाका है ना इनके लिए जमीन है भाई। 1 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर कवर कर रही है 1 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर और चीजें देखिए यार मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। 350 की स्पीड में कंटिन्यूस चल रही है बड़ा मजेदार था यार बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है जिससे पता चले भैया चाइना कितना भैया इसे चाइना काफी आगे चला गया बहुत आगे चला गया और मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि यूएसए से भी आगे चला गया। ओह या ऐसी ट्रेनें मैंने तो कभी ट्रेन में यूएसए में नहीं बैठी मैं तो ट्रेन जो कि इतनी स्लो होती है टुक टुक करके चलती है। यहाँ तो कारों में ही सब जाते हैं जहाँ भी जाना या प्लेन से जाते हैं ट्रेनों का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे कुछ है ही नहीं मतलब सिटी के अंदर है बट आप ये नहीं उस टाइप से नहीं है जैसे इस तरह से हो कि भैया आप बुलेट ट्रेन में जाके बैठ रहे हो। अगर न्यूयॉर्क के भी मेट्रो में जाते हैं इट इज नॉट सो गुड जितनी ये तो लॉन्ग जर्नी की बुलेट ट्रेन इज वेरी गुड। और यूएसए में वैसे सोचो तो आपकी टिकटें ही ऐसी नॉर्मल बसों बसों में इतनी होती है हम कहते हैं यार इससे अच्छा तो कार में आराम से बैठ के जाए थोड़े से पैसे बचाने का क्या फायदा है। तो इट इज नॉट कि भैया चीप होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमारे हिसाब से तो हमें तो कभी चीप फील हुई नहीं तो हम तो इसलिए कारों में ही जाते हैं। ऐसी ट्रेनें हों तो कोई क्यों ना जाएगा घूम भैया हम तो कहेंगे कि चलो बैठे पर ये पता नहीं ये कितनी महंगी है चाइना के हिसाब से कितनी महंगी है वो भी पता होना चाहिए। इसके पॉइंट नहीं है महंगी है नहीं है मगर फैसिलिटी फैसिलिटी बड़ी अच्छी आपको इनकी पॉपुलेशन भी इंडिया जितनी कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ कोई धक्का मुक्की नहीं कुछ नहीं आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लगी नहीं रहता कि भीड़ में इतना ह्यूज बना रखा है उन्होंने जो अपना रेलवे स्टेशन है कि आधे बंदे तो पतले ऐसे ले रहते हैं चल के आ रहे हैं चल के जा रहे हैं इतना चलना पड़ रहा है जा रही हूं चाइना थोड़े दिनों के लिए किसी ने सेगवे नहीं लिया जो होते हैं किसी ने कुछ ये नहीं दिखा सेगवे सुबह इतने नहीं दिखे जबकि लोग बोलते हैं सेगवे बड़े पॉपुलर हैं दिखे नहीं अभी तक तो नहीं दिखे पर नीट एंड क्लीन था सब ऑर्गेनाइज था एक के पीछे एक लाइन में लगे हुए थे वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वंदे भारत काफी क्लोज है इन चीजों के सिर्फ ये है कि सभी जगह पे वंदे भारत आ जानी चाहिए और सब ऐसी रेलवे स्टेशन को रेनोवेट वही कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं सारे रेलवे स्टेशन रेनोवेट करो हर जगह वंदे भारत लेके आओ ऑल विल बी ग्रेट और मेंटेन उसके बाद करते रहो। हम जब गए थे फर्स्ट क्लास एसी में वो मेंटेन नहीं थी कौन सी वंदे भारत की वंदे भारत नहीं दूसरी वाली दूसरी ट्रेन दूसरी में जबकि वो फर्स्ट क्लास एसी थी विच इज इक्वल टू एयरप्लेन की टिकट उसकी मेंटेनेंस वाज नॉट गुड कंपेयर टू वंदे भारत। वंदे भारत तो बहुत वंदे भारत बेटर थी देन फर्स्ट क्लास एसी पर वो तो इसलिए होगी ना क्योंकि वो बहुत पुरानी होगी ना पुराने जमाने की। अगर आप फर्स्ट क्लास एसी का पैसा दे रहे हो मतलब आप ज्यादा पैसा दे रहे हो फर्स्ट क्लास एसी में दे रहे हो तो भी उसकी क्वालिटी कम थी कंपेयर टू वंदे भारत। वो तो था पापा ने मुझे बताया ज्यादा पैसा देगी भी कम क्वालिटी बात के ठीक है पुरानी है तो मेंटेन करिए पैसा भी तो नहीं आ रही है अब पैसा भी तो ले रहे हैं मतलब वही है ना बाथरूम में टूटा हुआ शावर नहीं कुछ पर ये देखो इनकी फैसिलिटीज देखो यार मैं तो शॉक में गई हूँ शॉक में अब और वीडियोस मत भेजना कि मैं पूरी डिप्रेशन में ही चली जाऊं ये सब देखकर अब फिर सब कुछ और भेज देंगे कि अभी बुलेट ट्रेन देखिए देख लिया बहुत देख लिया चाइना को बस बहुत आगे निकल गए जब इनके इनसे आगे बढ़ जाएंगे तब देखेंगे फिर आगे देखेंगे भैया अभी तो बहुत आगे निकल गए हैं। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।